वेलकम टू ऋषि कॉमर्स। और ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ एक्चुअली दुबई एयरपोर्ट पे, क्योंकि अभी हम लोगों को काफ़ी टाइम यहाँ पे वेट करना है। बस इस वजह से मुझे लगा चलिए ये जो नया अपडेट आया है इस पे मैं आप लोगों के साथ बात कर लेता हूँ। सो प्राइजिंग वाला जो ये अपडेट है, इसमें इस ट्रैप में आप ना फंसो, इस वजह से इसको क्लियरली समझना पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है इससे कई सेलर्स को नुकसान भी हो जाए और बाद में फिर बहुत सारे सेलर मेरे पास आते हैं इस तरीके की कंप्लेंट्स लेके। तो चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं एक्चुअल में ये है क्या, इसकी रियलिटी क्या है। तो चलिए सबसे पहले अगर आप इस पर क्लिक करेंगे, वैसे कई सेलर्स को ये आया नहीं होगा, जिनको नहीं आया है बहुत जल्दी ये आ जाएगा, राइट। देन उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो प्राइजिंग का यहाँ पर ऑप्शन है, उसके बाद ओवरव्यू सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड, सो प्राइजिंग हेल्थ का यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ पर कि ये देखिए यहाँ पर अगर आप कर्सर रखेंगे तो ये बता देगा कि प्राइस कंपेयर टू कॉम्पिटिटर्स आपका ये दिखा रहा है। तो एक्चुअल में इसके तीन सेगमेंट हैं। सबसे पहले कौन से आपके ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनका बेस्ट प्राइस है, बेस्ट प्राइजिंग मतलब अच्छा प्राइजिंग है, ऐसा नहीं कि लोएस्ट है, ऐसा नहीं है कि हाईएस्ट है या कॉम्पिटिटिव है, मतलब ठीक है बेस्ट प्राइस चल रहा है, स्पेशली लोएस्ट प्राइस की ये लोग यहाँ पर बात कर रहे होते हैं। सेकेंड, हाई प्राइस लूजिंग ऑर्डर्स, मतलब हाई प्राइस है बट उतना भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आपकी विजिबिलिटी बन रही है बट ऑर्डर्स आप इस पर लूज कर रहे हो, राइट। एंड थर्ड वन इज़ हाई प्राइस लूजिंग व्यूज, मतलब इसमें हाई प्राइस है एंड साथ साथ में आप इस पे ऑर्डर्स तो छोड़ो, व्यूज भी आपको इस पे नहीं मिल पा रहे हैं, राइट। तो ये नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स यहाँ पर मेंशन है, ये आप चेक कर सकते हैं। तो आप अपना ये जरूर चेक कर लें सबसे पहले, तो बेस्ट प्राइस आपके कितने प्रोडक्ट्स पे है, हाई प्राइस लूजिंग व्यूज, हाई प्राइस लूजिंग ऑर्डर्स, ये आप सबसे पहले चेक कर लें। मुझे आप कमेंट में जरूर बताना आपके कितने प्रोडक्ट्स का प्राइजिंग बेस्ट प्राइस पे चल रहा है। मैक्सिमम आपके कम से कम 80 to 90% जो प्रोडक्ट है उनका बेस्ट प्राइस चलना चाहिए अगर आपको एक सही ऑर्डर्स फ्लो चाहिए। तो अब बात करते हैं ग्रोथ की यहाँ पे। सो जो भी आप ऑर्डर्स वगैरह अपडेट करोगे, मतलब ऑर्डर्स के प्राइजेस अपडेट करोगे, स्पेशली ये प्राइजिंग के लिए ही है कि आपको प्राइजिंग अपडेट करने के लिए बोली जाएगी। आपको क्या टर्म्स एंड कंडीशन पे करनी है वो मैं आपको बता दूंगा, राइट। तो यहाँ पे ग्रोथ की अगर बात करें, अगर आप जो भी सेलर ने चेंज किए होंगे लास्ट 30 डेज में, यहाँ पे आप फिल्टर लगा सकते हो 30 डेज एंड लास्ट 7 डेज का। प्राइस अपडेट 198 प्रोडक्ट्स में किया है, ऑर्डर इतने हुए हैं जो कि 78% बढ़े हैं, सेल्स इतना हुआ है जो कि इतना परसेंट बढ़ा है, और यहाँ पे एक डेटा भी दे रखा है कि इतने सप्लायर का जो ऑर्डर ग्रोथ था वो 31% ग्रो हुआ लास्ट 30 डेज में रिड्यूसिंग प्राइस। तो भाई देखो, रिड्यूस प्राइस करेंगे तो ऑब्वियसली सेल तो ग्रो होगा ही होगा, वो तो सिंपल सा फंडा है। अब यहाँ पर ये तो भाई डेटा दे रखा, उसके बाद आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं प्रोडक्ट वाइज, देन यहाँ पे इसी को ब्रेक डाउन करके बताया गया है कि ऑल प्रोडक्ट जो आपके हैं वो यहाँ पे शो हो रहा है, हाई प्राइस है जिनका वो यहाँ पे शो हो रहा है, और हाई प्राइस के अंदर दोनों सेगमेंट यहाँ पे शो हो रहे हैं, उसके बाद बेस्ट प्राइस इन प्रोडक्ट्स का है। तो ये बेस्ट प्राइस पे हैं प्रोडक्ट, इन पे बेस्ट प्राइस का टैग यहाँ पर आप देख सकते हैं उन साइट्स में। उसके बाद अगर हम बात करें हाई प्राइस की, तो हाई प्राइस में भी आपको ये दो सेगमेंट दिखेगा जिसमें कि आप कैटेगरी वाइज यहाँ पर चेक कर सकते हो, राइट। सो लूजिंग ऑर्डर्स की अगर हम बात करें तो ये प्रोडक्ट्स हैं। सबसे पहले मान के चलिए ये वाला प्रोडक्ट हम लोग चेक करते हैं, इसमें 940 का स्टॉक है, करेंट कस्टमर प्राइस इसमें 187 का चल रहा है, जिससे बैंक ट्रांसफर आपको इतना मिल रहा है, राइट। बट इनका बोलना है कि आप रिकमेंडेड कस्टमर प्राइस क्या करो, 169 रुपीस कर दो, 187 से 169, आपको जो बैंक सेटलमेंट मिल रहा है वो 111 मिल रहा था, अब वो 93 मिलेगा, राइट। उसके बाद इनसाइट है कि इससे आप ऑर्डर लूज कर रहे हैं, लूजिंग 8 orders टू कम्पेयर एज कम्पेयर टू योर कम्पिटिटर्स, राइट। अब यहाँ पे कॉम्पिटिटर को भी आप चेक कर सकते हो, देखिए यहाँ पे आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनके ऑर्डर्स पर डे कितने हैं, उसके बाद स्टोन टाइप प्लेट नंबर वगैरह वगैरह जो आपका प्रोडक्ट होगा उस हिसाब से यहाँ पे आपके कॉम्पिटिटर से आपको कंपेयर कर दिया जाता है। वैसे एग्जैक्ट ये है नहीं, बाकी फिर भी ये कंपिटिटर से यहाँ पे कंपेयर कर दिया जाता है। उसके बाद इसको आप एक्सेप्ट प्राइस यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ पे एक्सेप्ट प्राइजिंग का ऑप्शन है, बट यहाँ पर सबसे बड़ी ग्लिच ये है, आप इस चीज़ को समझना, 111 आपको बैंक सेटलमेंट मिल रहा है, अगर आप एक्सेप्ट ऑर्डर कर दोगे तो डायरेक्टली आप लगा लो इतना रेट आपका कम हो जाएगा, तो डायरेक्टली बिल्कुल नहीं करना है, एक्सेप्ट का बटन यहाँ पर बिल्कुल नहीं दबाना है। आप चाहे तो एडिट करके थोड़ा बहुत चाहे तो कम कर सकते हैं, 1 रुपये 2 रुपये, जिससे मीशो को ये लगेगा कि हाँ आप इस पे एक्शन
ले रहे हैं राइट। उसके अलावा यहाँ पर इस प्रोडक्ट पे आप देखो, इस प्रोडक्ट पे भी अगेन ये सेम डेटा दिखा रहा है, बट यहाँ पर दिखा रहा है कि ऑर्डर इस पे अभी ग्रोथ हुई है लास्ट 30 डेज में। तो आप यहाँ पर एक काम कर सकते हो, जिन पे ग्रोथ नहीं है उन पे तो आप ज़रूर 1-2 रुपये चेंज करके देख सकते हो, जिन पे ग्रोथ है उनको आप छोड़ दें, क्योंकि जिस पे ऑलरेडी ग्रोथ है उसको छेड़ना सही बात नहीं है। उसके बाद लूजिंग व्यूज़ की अगर मैं बात करूँ तो देखिए ये बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो व्यूज़ लूज़ कर रहे हैं धीरे धीरे, तो इन पे भी आप चाहें तो कुछ पैसे अपडेट कर सकते हैं राइट। ऑल प्रोडक्ट्स यहाँ पे आपके शो हो रहे हैं, बाकी बेस्ट प्राइस वाले प्रोडक्ट यहाँ पर है। तो कुल मिला के ऐसा अपडेट है कि मीशो चाहता है आप अपने प्रोडक्ट के प्राइस कम से कम रखो जिससे सेल ज़्यादा आए राइट। बट मैं बिल्कुल भी इसमें रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस हिसाब से जाओ, आप लॉस से बच पाओ, इसलिए मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर दी थी, वो भी एयरपोर्ट पे बैठ के। तो लाइक तो बनता है इस चीज़ के लिए, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आपके पास ये अपडेट आया है या नहीं आया है। बाकी बहुत जल्दी अपने 50,000 सब्सक्राइबर माइलस्टोन कंप्लीट होने वाला है, उस पे मैं एक गिव अवे आप लोगों के लिए ज़रूर रखूँगा। गिव अवे में आप क्या लेना चाहोगे वो मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी जो मैंने बताया यहाँ पे माइनर सा चेंज आप इसको कर सकते हो, यहाँ पे बल्क में भी आप इस प्राइस को अपडेट कर सकते हो। उसके लिए जस्ट आपको डाउनलोड करना है, अभी डाउनलोड नहीं हो रहा है बट वैसे डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड करके सेम यही शीट आपको फाइल में मिल जाएगी, बट बल्क में करने की कोशिश ना करें इसको, बल्क में बहुत सारी गलतियाँ हो सकती है। वन बाई वन कुछ प्रोडक्ट्स से आप कर सकते हो। तो आई होप ये अपडेट जो है वो आपको अब समझ में आ गया होगा। Till then, thank you very much. Keep selling online.